नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो सिंगल फेज के बाद हमने जो अगला चैप्टर रहेगा वो रहेगा पॉलीफेज सिस्टम। और पॉलीफेज सिस्टम जो होगा इसके अंदर जो हमने मेनली जो बात करेंगे वो करेंगे तीन फेज ऐसी थ्योरी के बारे में। तो पॉलीफेज सिस्टम का मतलब क्या रहेगा यहाँ से वो देखेंगे, और पॉलीफेज जो होगा इंडिया के अंदर कौन सा पॉलीफेज सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है या ज़्यादातर विश्व के देशों में कौन सा पॉलीफेज सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। तो पॉली जो होगा इसका मतलब क्या रहेगा बहु, और फेज का फेज रहेगा सिस्टम का प्रणाली रहेगा यहाँ से, ठीक है, या हिंदी में इसको बहुकला प्रणाली आप लोग बोलेंगे, यानी कि ऐसी प्रणाली पॉलीफेज किसको बोलेंगे, ऐसी प्रणाली जिसके अंदर फेजों की संख्या दो या दो से क्या हो ज्यादा हो। यानी कि अगर आपको पॉलीफेज सिस्टम पूछा जाए कि होगा क्या, ठीक है, तो पॉलीफेज सिस्टम की अगर आप लोग डेफिनेशन देखें तो पॉलीफेज सिस्टम के अंदर यहाँ से आपको क्या बात पता चल रही है कि दो या दो से अधिक फेजों की प्रणाली, दो या दो से अधिक फेजों की प्रणाली, ठीक है। तो फेजों का जो प्रणाली होगा, फेजों का जो सिस्टम चलेगा उसको अपने किस में काउंट करेंगे, वो करेंगे अपने पॉलीफेज सिस्टम में। अब देखो दो फेज हो गया, तीन फेज हो गया, चार पांच ऐसे कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है जो पॉलीफेज सिस्टम जो होगा, ठीक है, यहाँ आपको दो बातें याद रखनी है। एक तो आपको याद रखना है टू फेज सिस्टम, और दूसरा क्या याद रखना है तीन फेज सिस्टम। यहाँ मैंने भी आपको बताया कि अपने जो यूज अपने जो बात करेंगे वो तीन फेज प्रणाली के बारे में बात करेंगे, दो फेज प्रणाली के बारे में बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसके पीछे रीजन है, देखो दो फेज जो सप्लाई जो होती है इसका उत्पादन नहीं किया जाता, इसका जो जनरेशन जो होता है वो नहीं किया जाता, और ये आप लोगों को पता है कि इसका जनरेशन क्यों नहीं करते, क्योंकि दो फेज का जो है वो लिमिटेड यूज है, दो फेज प्रणाली जो होगा इसका लिमिटेड यूज होगा। दूसरी बात क्या याद रखना, तीन फेज प्रणाली यानी कि सिंगल फेज के बाद अगर ज्यादातर जो यूज होगी वो आपकी कौन सी होगी, वो तीन फेज प्रणाली होगी। दो फेज प्रणाली का जो इस्तेमाल किया जाता है वो केवल और केवल सिंगल फेज, यानी कि नॉर्मली काम देखेंगे तो सिंगल फेज का यूज करेंगे। इसके अलावा जो इंडक्शन भट्टियां जो होती है, इंडक्शन भट्टियों को बोलेंगे फर्नेस, इसके अंदर इसका यूज किया जाता है। अब सिंगल फेज के अंदर तो आप लोग काम क्या करोगे, आप लोग यहाँ तो यूज करते हो, आप लोग एक फेज को दो फेज में तोड़ने का जो नॉर्मली जो काम करते हो वो करते हो कैपेसिटर के द्वारा। लेकिन यहाँ अगर आपको पूछा जाए तो यहाँ एक आपने ट्रांसफार्मर सुना होगा, और जिसको हमने क्या बोलेंगे टिट्टी संयोजन बोलेंगे ट्रांसफार्मर का, टिट्टी कनेक्शन, ठीक है, या इसको क्या बोलेंगे स्कॉट कनेक्शन। तो ट्रांसफार्मर का जो स्कॉट कनेक्शन होगा इसका यूज किया जाता है तीन फेज जो सप्लाई जो होती है उसको दो फेज में चेंजिंग करने के लिए। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि तीन फेज को दो फेज में किस तरीके से चेंज करेंगे तो वहां आप लोग टीटी कनेक्शन से कर सकते हो। अगर आपके पास सिंगल फेज है उसको दो फेज में तोड़ना है तब आप लोग जो यूज करेंगे वो करेंगे कैपेसिटर, ठीक है। तो इसका मतलब आपको यहां से क्या बात याद रखनी है कि इंडिया के अंदर जो यूज की जाएगी वो तीन फेज प्रणाली और सिंगल फेज प्रणाली दो ही यूज की जाती है। इसके अलावा विश्व के ज्यादातर अगर आप लोग देखें तो सबके अंदर यही सिस्टम क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो अपने सबसे पहले बात करेंगे टू फेज प्रणाली के बारे में, टू फेज सिस्टम, ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर क्या होंगे, दो फेज होंगे, यानी कि दो फेज होंगे। और दूसरी बात क्या याद रखेंगे, दो फेज प्रणाली यानी कि इसका यूज जिसका जनरेशन जो अपने क्या करेंगे नहीं करेंगे, यानी कि जनरेशन जो होगा वो नहीं किया जाता, लेकिन इसको अपने काम क्या करेंगे सिंगल फेज को तीन दो फेज में कैसे तोड़ेंगे, और तीन फेज होगी उसको दो फेज में कैसे तोड़ेंगे। तो अपने काम क्या करेंगे, अगर मेरे पास सिंगल फेज सप्लाई है उसको अगर मैं टू फेज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो सिंगल फेज को अगर आप लोग काम क्या करोगे टू फेज में तोड़ोगे तो यहाँ जो यूज करेंगे जो युक्ति होगी वो कौन सा होगा, वो कैपेसिटर होगा, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादातर आप लोग देखेंगे सिंगल फेज के अंदर यूज़ किया जाता है, और इसका जो यूज़ किया जाता है वो सिंगल फेज जो मोटरें जो होती है इंडक्शन मोटरें जो होती है उसके अंदर इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा अगर हमने बात करें, अगर मेरे पास तीन फेज की सप्लाई है उसको मैं अगर दो फेज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ आप जो यूज़ करेंगे वो करेंगे ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर के अंदर एक कनेक्शन यूज़ किया जाता है जिसको आप लोग क्या बोलोगे स्कॉट कनेक्शन, या क्या बोलेंगे टीटी कनेक्शन, ठीक है। अब दूसरी बात, इसका जो यूज़ कहाँ करेंगे, इसका जो यूज़ करेंगे वो दो फेज पर चलने वाली जो इंडक्शन फर्नेस होती है भट्टियाँ होंगी, यानी कि दो फेज पर चलने वाली भट्टियों के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये क्या करना है, बात जो है वो मेनली आपको क्या करना है याद रखना है। तो जनरेशन जो होगा वो नहीं किया जाता, सिंगल फेज को टू फेज में चेंज कर सकते हो कैपेसिटर के द्वारा, तीन फेज को दो फेज में अगर चेंजिंग करना है तो वहाँ आप लोग किस तरीके से यूज़ करेंगे स्कॉट कनेक्शन, तो आगे लिख सकते हो, ठीक है, चेंज किसके द्वारा करेंगे कैपेसिटर के द्वारा, और यहाँ जो करेंगे वो करेंगे स्कॉट कनेक्शन या टीटी कनेक्शन के द्वारा। अब जो अपने जो बात करेंगे यानी कि टू फेज प्रणाली के बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना आपको,
अब जो अपने बात करेंगे यहाँ जो दूसरा जो मेथड चलेगा अपना वो चलेगा तीन फेज प्रणाली। तो इसके बारे में देखो और अपना जो डिटेल सबसे ज़्यादा अभी जो पढ़ने वाले इस चैप्टर के ऊपर वो पढ़ेंगे तीन फेज प्रणाली के ऊपर ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और देखिए, इसके अलावा एक चीज़ मैं और बताता हूँ, देखो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखो तीन फेज प्रणाली हो चाहे चार फेज प्रणाली हो चाहे कोई सी भी प्रणाली हो, तो इसके अंदर आपने देखा होगा मान लेते अपने पास तीन फेज प्रणाली है, ठीक है। तो यहाँ हमने देखेंगे कि जो एक ये फेज है, दूसरा ये, तीसरा ये, यानी कि कोई भी जो लगातार जो दो फेज होंगे, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो 120 होगा, और यहाँ भी कितना होगा 120 होगा, और यहाँ भी कितना होगा 120 होगा, ऐसा ही होगा। अब आप लोग देखिए यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि R और Y के बीच में 120 डिग्री का, और Y और इसके बीच में, और V और R के बीच में कितना है 120 है। लेकिन अगर R और B के बीच में पूछे ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज तो 120 और 120 240 होगा। तो यहाँ से पॉलीफेज के अंदर जो कलांतर जो होगा, फेज डिफरेंस जो होगा, वो किस तरीके से निकालेंगे, फेज डिफरेंस, ठीक है, इन पॉलीफेज, यानी कि पॉलीफेज जो प्रणाली होगी उसके अंदर फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से आपको याद रखना है 360 बटा में क्या करेंगे, n करेंगे, और यहाँ n आपको याद रखना है ये फेजों का क्या रहेगा, प्रणाली रहेगा, फेजों का मान रहेगा। तो n यहाँ से क्या है, ये फेजों का, ठीक है, ये फेज का क्या है मान, या फेज की संख्या है। अब एक चीज दिमाग में आपको ये बात आना चाहिए कि जो टू फेज जो प्रणाली होगी उसके अंदर अगर आपको पूछा जाए कि फेज डिफरेंस कितना होगा, तो अगर आप लोग यहाँ दो से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 180। इसका मतलब क्या होगा कि टू फेज की जो वोल्टेज होगी उसका अगर आप लोग डायग्राम बनाएंगे 180 डिग्री का होगा, तो 180 डिग्री पहला फेज मान लेते हैं, ये पहला फेज है, और दूसरा जो फेज होगा, अगर वो दूसरा फेज होगा वो अगर इस तरीके से निकलेगा, तो अब आप लोग यहाँ से देखें 180 डिग्री के बाद में चलेगा ये पहला फेज, ये रहा दूसरा, ये रहा, तो ये पॉजिटिव में, तो ये क्या नेगेटिव में, इस तरीके से अब ये आगे कंटिन्यू चलेगा, ऐसे इस तरीके से क्या करेगा, कंटिन्यू चलेगा। लेकिन आपको ये बात पता चल रही है, ठीक है, आपको जो है ये बात पता चल रही है, इसको मैं थोड़ा सा चेंजिंग कर देता हूँ कलर थोड़ा सा, देखो, क्योंकि यहाँ से आपको फेज डिफरेंस जो है वो ध्यान से समझना होगा, क्योंकि ये फार्मूला जो आप लोग हैं वो दो फेज में यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो जो ब्लू कलर से जो मैंने बनाया है ये आपका दूसरा फेज है। अब आप लोग देखें ये पॉजिटिव में जितना चलेगा ये नेगेटिव उतना चलेगा, ये पॉजिटिव में उतना नेगेटिव, इसका मतलब टोटल जो एवरेज जो मान आएगा वो जीरो आएगा। इसलिए आपको ये याद रखना है कि जो दो फेज की प्रणाली होगी उसमें फेज डिफरेंस होगा, वहां ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि टोटल जो वोल्टेज होगी वो कितना आ जाएगी फिर आपकी, वो होगी जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि टू फेज के अंदर आप लोग देखेंगे कि टू फेज प्रणाली के अंदर अगर आपको फेज डिफरेंस पूछा जाए तो आपको वहां से याद रखना है 90 डिग्री रखा जाता है, ठीक है। तो वहां आप लोग क्या याद रखेंगे, 90 डिग्री जो होता है वो रखा जाता है। इसके अलावा सिंगल फेज मोटर है उसके अंदर आप लोग देखेंगे जो कैपेसिटर की सहायता से दौड़ेंगे तो स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये फार्मूला आप लोग तीन से ज्यादा फेज के लिए यूज करेंगे। अगर आपके पास तीन फेज की प्रणाली है तो आप लोग काम क्या करेंगे, 360 बटा में तीन करेंगे तो दो फेजों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 120 डिग्री। इसी तरीके से अगर ये फेज होता अपने पास, तीन का डबल कर देते हमने, छः फेज होता, तब आप लोग काम क्या करेंगे, 360 बटा में क्या करते, छः करते, और यहाँ से जो मान आता वो कितना आता, 60 डिग्री। चार का करोगे तो 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलीफेज सिस्टम के अंदर जो फार्मूला अगर आपसे पूछा जाए कि फेजों की संख्या एन है तो कलांतर का मान क्या होगा, तो 360 बटा एन का क्या करेंगे, यूज करेंगे। और अगर तीन फेज की प्रणाली होगी तो यहाँ से कितना आएगा, 120 डिग्री। अब बात आती है कि तीन फेज का जो उत्पादन जो होगी वो किस तरीके से करेंगे, हमने तीन फेज की जो वोल्टेज उत्पन्न करनी है तो अपने काम क्या करेंगे। तो ये तो बात होगी कि होता क्या ये, किस तरीके से उत्पन्न होगा, तो अब हमने बात करेंगे तीन फेज सिस्टम की। देखो नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर तीन फेज सिस्टम के अंदर जो फेजों की संख्या होगी वो कितनी होगी, तीन होगी। अगर आपको काम क्या करना है, तीन फेज का वोल्टेज का उत्पादन करना है, तो आप लोग जो यूज करेंगे, युक्ति जो यूज करेंगे वो होगा अपने पास अल्टरनेटर, ठीक, अल्टरनेटर, अल्टरनेटर बोल देना, या इसको क्या बोलेंगे, एसी जनरेटर बोलेंगे। अब एक चीज देखो, आपको काम क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेटर का जो बेसिक कंसेप्ट कंस्ट्रक्शन है, जहाँ वो इसकी जो संरचना उसके बारे में देखना होगा कि अल्टरनेटर की अगर हमने बात करें तो अल्टरनेटर के अंदर दो पार्ट होंगे, एक तो इसके अंदर क्या होगा, आर्मेचर होगा, और दूसरा इसके अंदर क्या होगा, फील्ड होगा, ठीक है।
अब देखो आर्मेचर वो भाग होगा जिसके अंदर क्या होगा ईएमएफ जनरेट होता है, यानी कि जिसके अंदर क्या होगा ईएमएफ क्या होगा जनरेट होगा, और ये वो भाग होगा जो काम क्या करेगा फ्लक्स उत्पन्न करने का काम करेगा। अब आपको अगर काम क्या करना है, अगर आपको तीन फेज उत्पन्न करना है तो आप लोग इस आर्मेचर के कनेक्शन होंगे वो दो तरीके से कर सकते हो। एक तो काम क्या करेंगे स्टार के अंदर कर सकते हो, एक आप लोग क्या कर सकते हो डेल्टा का। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप लोग तीन फेज सिस्टम आगे बढ़ेंगे तो आपको दो बातें और पढ़ना पड़ेगा, स्टार क्या होगा और डेल्टा क्या होगा, और इन दोनों के अंदर रिलेशन भी अपने पढ़ेंगे। तो इसका मतलब स्टार की अगर हमने बात करें तो इसको आप लोगों ने पढ़ चुका होगा या पहले से पढ़ रखा होगा कि तीन फेज होंगे और एक क्या होंगे साथ में क्या होगा न्यूट्रल होगा। और डेल्टा की अगर हमने बात करें तो इसके अंदर क्या होगा तीन फेज होगा। तो अगर आपको बोला जाए कि तीन फेज वोल्टेज का उत्पादन करना है अपने को तो किसका इस्तेमाल करेंगे, तो अल्टरनेटर बोलोगे या क्या बोलेंगे ऐसे ही जनरेटर बोलेंगे। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, जो ईएमएफ बनेगा वो किस वाले भाग में उत्पन्न होगा, वो आर्मेचर के अंदर होगा। आर्मेचर जो होगा उसके अंदर जो वाइंडिंग जो करेंगे वो या तो उसके कनेक्शन जो करेंगे वो स्टार में करेंगे या क्या करेंगे डेल्टा में करेंगे। अब स्टार या डेल्टा में करने से पहले देखो इसके अंदर और क्या होगा, आर्मेचर जो होगा आर्मेचर या तो रोटर वाला पार्ट हो सकता है या स्टेटर वाला पार्ट हो सकता है। और नॉर्मली काम क्या किया जाता है स्टेटर वाले जो भाग होता है उस पर आर्मेचर वाइंडिंग को रखा जाता है। तो ये अपने पास क्या हो गया अपने पास इस तरीके से। और यहाँ अपने काम क्या करेंगे, आपको पता है कि जो फेज डिफरेंस रखा है वो 120 डिग्री रखा है, तो इसका मतलब पहली वाइंडिंग आपने यहाँ कर दी, फिर आपने यहाँ काम क्या कर दी दूसरी कर दी, फिर यहाँ क्या कर दी तीसरी, इन दिनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा 120 डिग्री होगा। जब इस वाइंडिंग को इस आर्मेचर को घुमाएंगे तो ये तीनों फेज होंगे बारी बारी से काम क्या करेंगे, जो यहाँ बीच में जो रोटर रखा होगा उस रोटर के फ्लक्स को क्या करेंगे काटेंगे। इस रोटर के फ्लक्स को जब काटेंगे तो इन वाइंडिंग के अंदर क्या होगा फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा ईएमएफ उत्पन्न होगा, और वो ईएमएफ होगा तो वो तीन फेज वाला होगा क्योंकि आपके पास कितने फेज है तीन। अब आप लोग यहाँ से देखें इस जो पहली जो वाइंडिंग होगी थ्री फेज वाइंडिंग जो होगी, देखो अगर हमने बात करें पहली जो फेज होगा यानी कि पहला जो फेज होगा, अभी मैं इसको आर वाई बी से डिनोट नहीं कर रहा हूँ, पहला फेज होगा, फिर अपने पास फेज कौन सा होगा दूसरा होगा, और इसी तरीके से फेज कौन सा होगा तीन होगा, तीन फेज होंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो तीन फेज वाइंडिंग है उसके टर्मिनलों को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसके टर्मिनल अपने लिखेंगे U1, U2, इसके V1 और V2, और इसके W1 और W2। इसका मतलब क्या हुआ कि तीन फेज वाइंडिंग के जो सिंबल यूज करेंगे यू वी और डब्ल्यू का यूज करेंगे। तो यहाँ से आपको क्या बात याद रखना है यू वी और क्या याद रखेंगे W, या U1, U2, V1, V2, W1, W2 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि जो तीन फेज वाइंडिंग के टर्मिनलों को किससे रिप्रेजेंट करेंगे इससे। अब आगे जब तीन फेज की जो तारें जाएगी, तीन फेज की जो लाइन होगी ठीक है, इसको मैं देखो इस तरीके से बना देता हूँ, इसके बाद स्टार कनेक्शन दिखा रहा हूँ आपको अभी। तो ये L1 लाइन होगी, ये L2 होगी, और ये क्या होगा L3 होगा। तो लाइनों को रिप्रेजेंट करेंगे जब अपने तीन फेज के, तो वो करेंगे L1, L2 और L3। अगर अपने तीन फेज का जो फेज क्रम लिखे, तीन फेज का जो फेज सिक्वेंस होगा, ठीक है, अभी बात करेंगे फेज सिक्वेंस क्या होगा, तो उसको जब लिखेंगे तो R, Y और क्या करेंगे B से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तीनों में आप लोग कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने तीनों को एक साथ बताया। तो तीन फेज मोटर जो होगी उसके अंदर, या तीन फेज अल्टरनेटर होगा उसके अंदर वाइंडिंग अगर आपसे पूछा जाए तो उसको यू वी और डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तीन फेज की जो लाइनें होगी उसको L1, L2 और L3 से रिप्रेजेंट करेंगे। और तीन फेज का जो फेज होगा उसका क्रम जो अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो R और Y और B से क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो बात होगी कि अंदर जो जनरेटर जो होगा वो ईएमएफ बनाएगा कैसे। अब इसका अगर अपने ग्राफ बनाए, इसका अगर डायग्राम बनाए कि तीन फेज का जो वोल्टेज का जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ से दो तीन चीज़ें आपको निकल कर सामने आएगी। तो इसका मैं बना रहा हूँ तीन फेज का आउटपुट वोल्टेज, थ्री फेज आउटपुट वोल्टेज कराओ, ठीक है। तो इसको अपने देखें किस तरीके से करेंगे, ठीक है, इसको अपने इस तरीके से देखो। अब यहां से अपने पास जो फेज होंगे वो तीन फेज होंगे, ठीक है, ये मान लेते हैं। देखो पहला आपको पता है कि जो एसी जो होगा उसका जो पूरा जो वेव फॉर्म चलेगा उसके अंदर आप लोग देखें तो इस तरीके से चलेगा आपका, ठीक है, इस तरीके से,
ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पहला फेज हो गया, यानी इस फेज को मान लेते हैं अपने पास आर मान लेते हैं, ठीक है, इसको पहला फेज है, इसको अभी डिनोट नहीं करेंगे, आगे करेंगे। अब देखो 120 डिग्री मैंने आपको फेज डिफरेंस बताया था, वो कितना होगा 120 डिग्री। अब आपको पता है कि ये जो यहाँ जो होगा, यहाँ जो होगा ये पूरा 90 डिग्री होगा और यहाँ पूरा 180 होगा, तो यहाँ मान लेते हैं 120 डिग्री आ रहा है, तो अपने काम क्या करेंगे 120, और पूरा हाफ साइकिल होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा, और यहाँ अगर आप लोग देखेंगे तो ये होगा आपका 270 डिग्री, और यहाँ अगर आपने देखे तो ये पूरा 360 होगा, और यहाँ मान लेते हैं 300 क्या है 30 है, ठीक है, 330 नहीं 330 हो गया, यहाँ मान लेते हैं 300 है, ठीक है, इस तरीके से इसको यहाँ मान लेते हैं हमने 300 मान लेते हैं, 300 की जरूरत पड़ेगी। अब देखो यहाँ से 120 डिग्री होगा, तो यहाँ से मैं अगर दूसरा फेज स्टार्ट करता हूँ, जब मैं दूसरा फेज स्टार्ट करूँगा तो 120 डिग्री बाद में स्टार्ट होगा, 120 के अंदर करूँगा 180 जोड़ूंगा, क्योंकि पूरा जो हाफ साइकिल होगा उसके अगर हमने बात करें तो वो बनाएगा 300, यानी कि 120 से जब ये स्टार्ट होगा तो ये जाएगा आपका 300 तक, यानी कि इस तरीके से जाएगा और फिर इस तरीके से आगे चला जाएगा। अगला जो होगा वो होगा 120 डिग्री के बाद, यानी कि इससे भी 120 डिग्री, तो 120 के अंदर अगर मैं 120 जोड़ूंगा तो आएगा 240, और 240 जो होगा वो लगभग यहाँ होगा। इसका मतलब अगर मैं तीसरा फेज बनाऊंगा तो यहाँ से अगर आप लोग देखें तो 240 और 180 यानी कि 420 होगा, मतलब यहाँ तक आएगा ये, ठीक है, इस तरीके से। अगर मैं इस फेज को नीचे की ओर लेके जाता हूँ, बैक साइड की ओर लेके जाऊंगा, तो ये आपको पता है कि यहाँ इस तरीके से आएगा, और अगर मैं इसको भी बैक साइड की ओर लेके जाऊंगा तो इसका देखो ये 240 है, 240 के अंदर मैं 180 करूंगा माइनस, क्योंकि आधा साइकिल होगा 180 डिग्री होगा, 180 जैसे ही माइनस करूंगा तो लगभग आएगा 60 के ऊपर, और 60 देखो यहाँ 90 होगा और यहाँ कितना होगा 60 होगा, तो इसको आप लोग इस तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। अब आप लोग यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि तीन फेज का जो ग्राफ बना वो इस तरीके से बना है। अब देखो ये पहला फेज है, इसको मैंने R लिखा, दूसरे को मैंने Y लिखा, और तीसरे को मैंने क्या लिखा, B लिखा, और ये जो एंगल है यहाँ कितना है 60 है, तो इसको पाई बटा 3 लिख सकता हूँ, 120 है तो इसको 2 पाई बटा 3 लिख सकता हूँ, ये 240 है तो इसको 4 पाई बटा 3 लिख सकता हूँ। इसका मतलब प्रत्येक फेज होगा वो दूसरे फेज से जो चलेगा वो 120 डिग्री के अंदर क्या होगा उसका डिफरेंस होगा। अब आप लोग स्टार हो चाहे डेल्टा हो, आपके पास दो कनेक्शन बनेंगे, इसके वो आगे बात करेंगे, पहले इसके हमने बात करेंगे फेज जो क्रम होगा, यानी कि तीन फेज के अंदर जो होगा वो फेज सिक्वेंस होगा वो कैसे लिया जाता है। देखो यहाँ आपके पास आर फेज है, फिर वाई है, और फिर क्या भी है, तो फेज सीक्वेंस होता क्या है, फेज सीक्वेंस वोल्टेज का वह क्रम होगा, यानी कि वोल्टेज का वह क्रम होगा जिस पर वे अपने अधिकतम मान को क्या करेगी, प्राप्त करेगी, यानी कि वोल्टताओं का वह क्रम जिस पर वे अपने अधिकताओं का मान प्राप्त करेगी। अगर मैं इसको इस तरीके से स्टार बना देता हूं, ठीक है, तो ये मान लेते हैं आर फेज है, ये मान लेते हैं वाई है, और ये क्या बी है, इन सब के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा लगातार अगर अपने चलेंगे तो 120 होगा। अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर चलूं तो पहले R आएगा, फिर Y आएगा, फिर B, यानी कि पहले R, फिर Y और फिर B। तो आप लोग ये डेफिनेशन देखो क्या बनेगी कि वोल्टताओं का वह क्रम जिस पर वे अपने क्या करेगी, अधिकतम मान को क्या करेगी, प्राप्त करेगी। तो ये आप लोग लाइन अपने आप लिखे। अब इसका जो फेज सीक्वेंस होगा, देखो दो तरीके से आपको याद रखना है, एक तो होगा पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, ठीक है, और एक आपके पास रहेगा नेगेटिव फेज सीक्वेंस, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव का मतलब अगर आप लोग इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो पहले आ रहेगा, फिर वाई आएगा, फिर क्या आएगा, बी आएगा, तो यानी कि आपका जो रहेगा यहाँ से क्या रहेगा, आर वाई और क्या रहेगा, बी रहेगा। और भारत का जो घोषित फेज क्रम है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्या आर वाई और बी। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये आर आएगा, फिर बी आएगा, फिर क्या आएगा, वाई आएगा। तो यहां से आपको क्या बात याद रखना है, यहां से जो होगा वो क्या आएगा, आर बी और क्या आएगा, वाई आएगा। अब एक चीज और देखो आप लोग, एक चीज और देखो, अगर आपको अल्टरनेटर है, अगर आपको उसका फेज क्रम बदलना है, तो अगर आपसे पूछे कि फेज सीक्वेंस बदलेगा कैसे, तो आपको फेज सीक्वेंस अगर चेंज करना है, ठीक है, तो चेंज करेंगे तो अल्टरनेटर जो होगा उसके अंदर आप लोग काम क्या करेंगे, उसकी जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, उसकी घूर्णन दिशा, उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो फेज सीक्वेंस चेंज करने के लिए काम क्या किया जाता है, तो घूर्णन दिशा जो होती है उसको चेंज किया जाता है। अब अपने पास फेज सीक्वेंस के आर वाई भी है और नेगेटिव ये है, पॉजिटिव ये है, ठीक है। अब देखो अगर आप लोग क्लॉकवाइज घूम रहे हो, तो अगर पहले मैंने R से स्टार्ट किया, अगर मैं Y से स्टार्ट करता हूँ तो Y, B और R, यानी कि अगर R, Y, B नहीं दिया होता तो आप लोग क्या करते, Y, B, R करते। अगर ये भी नहीं होता तो B,
आर और वाई, मतलब तीनों कंडीशन के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो जब आप लोग इसका घुमाव देखेंगे तो बी के बाद में आर आ रहा है, आर के बाद में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। तो अगर आपको ऑप्शन के अंदर आर वाई भी नहीं दिया तो ये दो ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन दे सकता है। नेगेटिव की अगर हमने बात करें तो आर बी वाई होगा, या इसको दोबारा देखें वी वाई और आर, तो वी वाई और आर भी यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा वाई आर और क्या रहेगा बी, तो ये भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये तो अपना फेजर ग्राफ था, इसका किस तरीके से बनेगा, ये फेज सीक्वेंस है कि वोल्टेज का वह क्रम जिस पर वो अपने अधिकतम मान को प्राप्त करेगी, वो उनका जो क्रम होगा, सीक्वेंस होगी, वो क्या कहलाता है, वो फेज सीक्वेंस कहलाता है। पॉजिटिव फेज सीक्वेंस ये होगा, नेगेटिव ये रहेगा। अब इसके अंदर देखो, अब मैं यहां कुछ चीजें बता रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अब देखें, ये एक तो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस था और एक अपने पास कौन सा था, नेगेटिव फेज सीक्वेंस। तो सीक्वेंस आपको पता चल चुका है कि भारत का घोषित फेज सीक्वेंस आर वाई बी क्यू। अब इसका हमने कारण बात करेंगे, फेज सीक्वेंस का कारण क्या है कि फेज सीक्वेंस आर वाई बी क्यू रखा। देखो, आपने पढ़ा होगा कि प्राइमरी कलर होते हैं वो तीन होते हैं, एक अपने पास होगा रेड, दूसरा कौन सा होगा अपने पास ग्रीन, और तीसरा कौन सा होगा ब्लू होगा। और आर और रेड, यानी कि रेड और ग्रीन, इन दोनों को अगर मैं मिक्स करूंगा तो मेरे को जो कलर मिलेगा वो मिलेगा पीला। ग्रीन कलर जो होगा वो सुरक्षा का प्रतीक होता है, इस वजह से अर्थिंग में यूज किया जाता है। इसलिए आप लोग यहाँ देखोगे कि जो अपना जो फेज क्रम होगा वो आर ग्रीन नहीं आएगा, फिर यहाँ क्या आएगा, येलो आएगा, और यहाँ ये ब्लू है, तो आर वाई और क्या बनेगा बी। तो आपका जो रीजन देने का जो कारण रहेगा वो रहेगा प्राइमरी कलर है, लेकिन येलो प्राइमरी कलर में नहीं आता, ये सेकेंडरी कलर में काउंट होता है। लेकिन क्वेश्चन जब अगर आपसे पूछा जाए कि आर वाई बी फेज क्रम क्यों है, तो रीजन इसका ये क्योंकि है क्या है, प्राइमरी कलर है, और प्राइमरी जो कलर होंगे वो तीन होंगे, एक तो आपको याद रखना है रेड होगा, दूसरा ग्रीन होगा, और तीसरा कौन सा होगा, ब्लू होगा। लेकिन ये यूज किया जाता है अर्थिंग में, इसकी जगह जो अपने यूज करेंगे वो करेंगे पीला, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ से याद रखें। फिर बात आती है कि फेज सीक्वेंस को चेंज कैसे करेंगे, कि अगर आपको फेज सीक्वेंस को चेंज करना है तो किस तरीके से करेंगे। देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेटर जो होगा, उस अल्टरनेटर के अंदर आप लोग काम क्या करेंगे, अल्टरनेटर की जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, यानी कि पहले उसको अगर आप लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे थे तो अब उसको उल्टा घुमाएं आप लोग, तो चेंज कैसे करेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डी ओ आर चेंज कर, किसकी चेंज करेंगे, जो उत्पन्न करेगा, और उत्पन्न कौन कर रहा है, अल्टरनेटर कर रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ चेंज, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करके, ठीक है। फिर ध्यान रखना कि फेज सीक्वेंस होगा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है कि फेज सीक्वेंस होगा वो जरूरी क्यों है। फेज सीक्वेंस इसलिए जरूरी है, देखो कि अगर आपने देखा होगा, अगर फेज सीक्वेंस आर वाई और बी है, तो आपको पता है कि जो घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा वो तीन फेज के अंदर बनेगा या दो फेज के अंदर बनेगा। अगर मैं फेज सीक्वेंस चेंज करूंगा तो ये इसकी जो घूर्णन दिशा होगी आर बी क्या होगी, वाई होगी। इसका मतलब क्या होगा कि तीन फेज पर जो चलने वाली मोटरें होगी, तीन फेज पर क्या होगी, चलने वाली जो मोटरें होगी, ठीक है, मोटरों की घूर्णन दिशा क्या होगी, बदल जाएगी, घूर्णन दिशा क्या होगी, चेंज होगी। लेकिन आपको यह बात याद रखना है, ट्रांसफार्मर तीन फेज का तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिंगल फेज की मोटर है तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिंगल फेज पर चलने वाली कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा वो कोई भी चेंज नहीं होगा। बस चेंज कौन सा होगा, तीन फेज पर चलने वाली मोटरें, इंडक्शन मोटरें भी हो सकती है और सिंक्रोनस मोटर भी हो सकती है। अब बात आती है कि जो अपना फेज सीक्वेंस है इसकी जांच कैसे करेंगे, इसकी चेक कैसे करेंगे, तो इसके तीन मेथड हैं। तीन मेथड में से आपका जो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो केवल एक है, तो इसके तीन मेथड हैं। एक तो मेथड आपने पढ़ा होगा फेज सीक्वेंस इंडिकेटर, फेज सीक्वेंस इंडिकेटर, ठीक है। अब फेज सीक्वेंस इंडिकेटर क्या होगा, ये छोटी तीन फेज की मशीन होती है इस तरीके से, और इसको अपने काम क्या करेंगे, अगर वोल्टेज हाई है तो पिट्टी की सहायता से सप्लाई देंगे, अगर ये इसके अंदर चक डिस्क होगी, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है तो इसका मतलब आपका जो फेज क्रम है वो आर वाई बी है, अगर एंटी क्लॉकवाइज में घूम रही है तो ये आपका फेज क्रम रहेगा आर बी वाई रहेगा। तो इसका मतलब फेज सीक्वेंस इंडिकेटर से जांच करेंगे। दूसरा, लैंप के साथ अगर आप लोग इंडिकेटर, अपने पास दो चीज़ें होंगी, एक तो इंडक्टर होगा, एक क्या होगा, कैपेसिटर होगा, तो इंडक्टर द्वारा करेंगे, इंडक्टर के साथ साथ क्या करेंगे, लैंप का भी यूज करेंगे। तो इनके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछा था इसलिए इसके बारे में कोई डिटेल नहीं पढ़ेंगे अभी। दूसरा होगा कैपेसिटर, कैपेसिटर प्लस क्या करेंगे, लैंप का यूज करेंगे।
तो लैंप धीरे जलेंगे, दो दो जोड़े यूज करेंगे हमने, वो धीरे जलेंगे तेज जलेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने आइडिया लगाएंगे कि फेज सिक्वेंस होगा वो आर वाई बी है या आर बी वाई है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना कि घोषित फेज सिक्वेंस होगा वो होगा क्या आर वाई बी है। यहाँ से ये अगर नहीं दिया तो आपको ये दे देगा, नेगेटिव पूछे तो ये होगा। फिर आपको क्या बात याद रखना है कि कारण इसका पूछे तो प्राइमरी कलर होंगे, लेकिन ग्रीन जो होगा वो नहीं होगा, ये पीला होगा, सेकेंडरी कलर होगा। ठीक है, पीला जो होगा सेकेंडरी कलर होगा, ग्रीन इसके अंदर काउंट नहीं हो रहा, इसका मतलब यहाँ ग्रीन का इस्तेमाल हमने अर्थिंग में किया। चेंज कैसे करेंगे, जो फील्ड अपने पास जो अल्टरनेटर होगा उसकी जो वाइंडिंग जो होगी, उसके आर्मेचर होगा या उसकी घूर्णन दिशा जो होगी उसको चेंज करेंगे, चाहे आप लोग फील्ड घुमा रहे हो चाहे आर्मेचर घुमा रहे हो। फिर देखो अगर हम इसका महत्व देखो, महत्व ये है कि तीन फेज पर चलने वाली जो मोटरें होंगी उनकी डायरेक्शन चेंज होगी, तीन फेज का ट्रांसफार्मर की नहीं होगी, किसी की भी नहीं होगी, सिंगल फेज वाले की भी नहीं होगी। उसके बाद देखें जांच कैसे करेंगे, फेज सिक्वेंस इंडिकेटर के द्वारा करेंगे, इंडिकेटर या लैंप द्वारा, कैपेसिटर या लैंप द्वारा। ठीक है, अगर किसी को इसके बारे में जानकारी चाहिए तो मैं आपको किसी दिन प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो, उसके ऊपर आप लोग कर सकते हो। अब इन पर सवाल देखो किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं, सवाल देखो इसके ऊपर ये पूछा जाता है कि तीन फेज का जो अल्टरनेटर है उसकी घूर्णन दिशा क्लॉकवाइज है और उसका फेज क्रम ये है, अगर उसकी घूर्णन दिशा एंटी क्लॉकवाइज कर दें तो उसका फेज क्रम क्या होगा, तो आपका आंसर होगा ये नहीं दिया तो इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। फिर बोलेगा पॉजिटिव फेज सिक्वेंस ये है तो नेगेटिव फेज सिक्वेंस क्या होगा, ये होगा। इसके अलावा बोले कि भारत का घोषित फेज क्रम क्या है, तो ये होगा। फेज क्रम होता क्या है, वोल्टताओं का क्रम होगा जिस पर वह अधिकतम मान को प्राप्त करेगी। एक बार सवाल आया था इसरो के अंदर कि तीन फेज की अगर हमने सप्लाई चेंज कर दें तो उस समय क्या होगा, उस समय क्या होगा, कौन सी चीज़ पर इफेक्ट पड़ेगा, तो तीन फेज की इंडक्शन मोटर पर पड़ेगा, तीन फेज मोटर पर पड़ेगा, ट्रांसफार्मर पर पड़ेगा, हीटर पर पड़ेगा या सिंगल फेज मोटर पर पड़ेगा। तो हीटर पर भी नहीं पड़ेगा, सिंगल फेज पर भी नहीं पड़ेगा और तीन फेज ट्रांसफार्मर पर भी नहीं पड़ेगा। तीन फेज की जो मोटर होगी, चाहे सिंक्रोनस मोटर हो चाहे आपका कौन सा मोटर हो, इंडक्शन मोटर है, उनकी घूर्णन दिशा जो होगी वो चेंज होगी। ठीक है, फिर आपको पूछा जाए कि अगर ये किसकी सहायता से जांच करेंगे, तो आप लोग ये बोल सकते हो फेज सिक्वेंस इंडिकेटर के द्वारा जांच कर सकेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, अब इसके बाद देखो एक चीज़ मैं भी थोड़ा सा बताना भूल गया था, इसका डायग्राम अपने दोबारा देखेंगे और ये आप लोग अगर नोट्स बनाएं तो पहले लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ चीज़ें देखो नई चीज़ें सामने आएगी। अभी मैंने आपको इसका वक्र बनाया था, ठीक है, इस तरीके से ये अपने पास R फेज हो गया, ये अपने पास Y फेज हो गया और ये अपने पास क्या हो गया, इस तरीके से इसको आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये B फेज हो गया इस तरीके से। तो ये R हो गया और ये Y हो गया और ये V हो गया, इन तीनों में संबंध देखो, यानी कि थ्री फेज जो सप्लाईज होगी तीनों फेजों में समान, तीनों फेजों में क्या होगा, रिलेशन देखो क्या होगा। ठीक है, अब देखो अगर आप लोग इन सबको डायग्राम से ध्यान से देखेंगे तो आपने ऐसी थ्योरी के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब ये रहेगा एक सेकंड में चक्रों की संख्या, तो एक सेकंड में चक्रों की संख्या इस यानी कि तीनों फेजों की क्या रहेगी, बराबर, तो तीनों फेजों में जो समानता रहेगी वो देखो क्या रहेगी और अंतर क्या रहेगा, तीनों फेज का जो अंतर होगा वो क्या होगा, तो समानता तो ये रहेगी इनकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या रहेगी, समान, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, समान रहेगी। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो आवर्तकाल भी सेम रहेगा। दूसरा देखो, एक दो तीन, इन तीनों की अगर मैं देखूँ यहाँ से, ये जो चोटियाँ जो है ये मैंने तीनों जो है लगभग सेम बनाई है, तो सेम ही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी पीक वैल्यू सेम है, यानी कि इनका जो शिखर जो मान होगा वोल्टेज का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और EMF जनरेट हो रहा है तो इसको EMF से लिख देता हूँ, मैं EM लिख देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब इनका EMF जो होगा उनका शिखर मान जो होगा वो सेम होगा। अगर शिखर मान सेम है तो आपको पता है कि जो RMS जो मान होगा वो आपको पता है 0.707 इंटू क्या होगा, E मैक्सिमम होगा। अगर ये मान सेम है तो तीनों फेजों का RMS मान भी सेम होगा। अगर RMS मान सेम है, इसके अलावा आपका जो एवरेज मान होगा तीनों फेजों का वो भी क्या रहेगा, यहाँ पर वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि तीनों फेजों के लिए अगर मैक्सिमम वैल्यू सेम है तो एवरेज मान भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसके अलावा इनका जो फॉर्म फैक्टर होगा, इसके अलावा इसका जो पीक फैक्टर होगा, ये दोनों जो होंगे वो भी क्या रहेंगे, सेम। तो बात आती है कि इनमें से कौन सा मान होगा वो सेम नहीं होगा। आपको बोलेगा तीन फेज सप्लाई है, उसके अंदर तीनों फेजो जो होंगे उनमें कौन सा मान जो होगा वो समान नहीं होगा। आरएमएस मान दे देगा, औसत मान दे देगा, शिखर मान दे देगा और तक्षणिक मान दे देगा। तो अब आप लोग यहाँ से देख सकते हो,
ताक्षणिक का मतलब होता है किसी क्षण। इस पॉइंट पर अगर आप लोग देखेंगे तो आपका ये जो बी फेज है ये शिखर मान पर है और वाई फेज है ये न्यूनतम शिखर मान पर होगा, लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, और आर फेज यहाँ क्या जीरो। अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूँ तो आपका बी फेज जीरो है, आर पॉजिटिव के अंदर बढ़ रहा है और वाई जो होगा वो ये नेगेटिव के अंदर क्या होगा जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है। तो किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तीनों फेजों का जो एक मान जो होगा वो सेम नहीं होगा, जिसको हमने क्या बोलेंगे ताक्षणिक मान। तो ताक्षणिक मान जो होगा इनका क्या रहेगा ए समान रहेगा। तो ये बात आपको यहाँ तीन फेज के अंदर क्या करनी है याद रखनी है। अब उसके बाद देखें यहाँ तक समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। अब जो मैंने आपको फेज सीक्वेंस बताया था उसके अंदर आगे चलते हैं अभी। अब इनकी तीन फेज जो सप्लाई है उसकी ताक्षणिक वोल्टेज देखेंगे, यानी कि थ्री फेज वोल्टता की ताक्षणिक समीकरण। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन जो था अभी आया था आपके डीएमआरसी के अंदर, वो अपने बात करेंगे किस तरीके का क्वेश्चन आया था। देखो इसका डायग्राम बनाते हमने, ये अपने पास आर फेज है, ये वाई फेज है और ये बी फेज है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आप जो वोल्टेज उत्पन्न करेगा वो कौन सा करेगा, वो करेगा आर फेज। तो आर फेज की ताक्षणिक समीकरण बनाएंगे। फिर दूसरा जो करेगा वो कौन सा होगा, वाई फेज होगा। वाई फेज अधिकतम मान पर आएगा, तो अपने काम क्या करेंगे आर फेज की यहाँ ताक्षणिक समीकरण लिखेंगे। देखो तो ई आर जो होगा वो क्या रहेगा, ई एम साइन ओमेगा टी। और ये बात आपने जो पहला जो चैप्टर पढ़ा था एसी थ्योरी का उसके अंदर ये बात पढ़ी हुई थी। अगर मैं वाई फेज की बनाऊं तो वाई फेज कितने डिग्री पीछे चल रहा है, 120। या तो इसको 120 लिख दें या 2 पाई बटा में क्या लिख दें, 3 लिख दें, क्योंकि पाई का जो मान होगा वो भी कितना होगा, 180 होगा। तो ई एम का मान आप लोग यहाँ ही रखेंगे। फिर साइन ओमेगा टी माइनस 120 लिखो, चाहिए 2 पाई बटा 3 लिखो। फिर अगला देखें जो बी फेज होगा, ये इस वाई से तो 120 डिग्री पीछे चलेगा, लेकिन आर वाई बी यानी कि आर से जो चलेगा वो 240 डिग्री पीछे चलेगा। और यहां से भी अगर आप लोग देखें इस तरीके से, तो वाई फेज होगा वो क्या होगा, आर फेज के क्या चलेगा 120 डिग्री 240 डिग्री क्या चलेगा, बैक चलेगा। तो ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 4 पाई बटा क्या करेंगे, 3 करेंगे, ये 240 होगा पूरा। इसका मतलब यहाँ 120 लिखो, 240 लोग कैसे लिख सकते हो। अब एक चीज़ और देखें, अब आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि तीनों फेज होंगे उनकी वोल्टताओं जो होंगी उनकी वोल्टताओं का जो ताक्षणिक मान होगा, क्योंकि ये ताक्षणिक समीकरण है, इनका सदिश योग वेक्टर योग अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, यानी कि ई बराबर क्या रहेगा इस तरीके से अगर आप लोग देखें, तो तीनों का जो वेक्टर योग होगा वो जीरो होगा। इसको मैं देखो आपको प्रैक्टिकली भी सिद्ध कर सकती हूँ इसको। यहाँ आपको a माइनस बी का फार्मूला आना चाहिए साइन a माइनस बी, इसको खोलेंगे और फिर यहाँ रखेंगे, फिर इसकी वैल्यू आएगी जीरो आएगी। देखो इसको अगर सीधा देखना चाहो तो इस तरीके से भी देख सकते हो, ये अपने पास r फेज था, ये b फेज था और यहाँ क्या था, y फेज था। अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूँ, इस पॉइंट पर अगर अपने बात करें तो ये जो है आपका r फेज है, ये r फेज क्या जीरो है, और ये जो फेज है ये आगे जब चलेगा तो ये क्या आएगा, b फेज आएगा। तो b फेज होगा आर फेज जीरो है, बी फेज होगा ये पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या है मैक्सिमम मान पर है, और ये वाई फेज होगा, ये वाई फेज अगर आप लोग देख रहे हो तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में क्या होगा मैक्सिमम होगा। और तीनों का अगर मैं एवरेज मान निकालूं तो वो कितना आएगा जीरो, या इसको आप लोग साइन ई एम साइन ओमेगा टी ई एम साइन डब्ल्यू टी ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई 3 यानी कि साइन ए माइनस बी का फार्मूला खोलेंगे, और ये वही कर सकते हैं जिन्होंने पीसीएम कर रखी है। तो इसका मतलब ताक्षणिक वेक्टर योग जो आएगा वो कितना आएगा, जीरो वोल्ट आएगा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कि तीन फेज की सप्लाई है उसके अंदर प्रत्येक वोल्टेज है उसका ताक्षणिक मान ई है, तो तीनों फेजों का जो होगा वेक्टर योग जो होगा वो क्या होगा। तो आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है, जीरो होगा, रूट तीन होगा, ठीक है, तीन ई होगा, या ई अपॉन में क्या होगा, तीन होगा। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ से क्या आएगा, वो कितना आएगा, जीरो आएगा। अब एक चीज़ देखो, और इसको अगर आप लोग एंगल के रूप में दिखाना चाहते हो तो एंगल के रूप में किस तरीके से दिखा सकते हैं। देखो पहला अपने बात करेंगे आर फेज की, ठीक है, एंगल के साथ। तो अपने पास क्या रहेगा, ई आर, ठीक है, ये अपने बात करें इसके अंदर ई आर फेज का रहेगा। तो इसका मैं लिखूंगा ई एम और एंगल कितना दिखाऊंगा, जीरो डिग्री, क्योंकि आर पहला फेज है और वो जीरो उत्पन्न होगा तो उसको जीरो डिग्री से लिखेंगे। फिर दूसरा जो फेज होगा वो कौन सा होगा, ये वाई फेज होगा। तो ये आर से कितने डिग्री पीछे चलेगा,
ये आर से देखो कितने डिग्री लेग है, 120 डिग्री, तो माइनस क्या लिखेंगे 120 डिग्री। इसी तरीके से अगर मैं बी फेज की देखूं तो ये साइन से ये जो पहला जो फेरा आर से कितने डिग्री पीछे चल रहा है, ये 240 डिग्री, तो इसका एंगल फॉर्म जो होगा वो इस तरीके से लिखेंगे। तो एक तो है याद रखना ये, इसके अलावा इसी फॉर्म को आप लोग उल्टा घुमा के लिखना चाहो तो देखो कैसे लिखेंगे। ये अपना आर फेज है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो पहले आपने एक आर वाई और बी से किया था, अब आर बी और वाई से करेंगे। तो अगर आप लोग आर इस एंटी क्लॉकवाइज जब घूमेंगे तो आर के बाद में कौन आएगा, बी आएगा, और बी यहाँ से देखो कि कितने डिग्री पीछे चल रहा है, 120 डिग्री। तो इस समय देखो यहाँ ई आर का जो रहेगा वो ये रहेगा ई एम, एंगल कितना आएगा 0 डिग्री। फिर अगर मैं वाई की बना रहा हूँ तो अगर मैं ऐसे डायरेक्शन में जाऊँगा तो 120 और 120, 240 डिग्री क्या होगा, यहाँ इसको नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव सिक्वेंस के अंदर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये मान 240 डिग्री। फिर अगर आप लोग देखें इसको इन दोनों के बीच में तो 120 डिग्री चलेगा, लेकिन इस समय आप लोग जो सिंबल जो लेंगे वो आप लोग ये ध्यान रखना पॉजिटिव सिंबल लेंगे 120। अब डीएमआरसी के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था, देखो वो क्या पूछा गया था, जेईई वाले के उस पेपर में भी आया था और जो मैटर्नल की जो परीक्षा हुई थी उसके अंदर भी आया था। उसके अंदर यह था, उसने इस तरीके से दिया था आपको, तीन दे दिया कि इस तरीके से दे दिया, पहला दूसरा दे दिया ये और तीसरा दे दिया ये, ठीक है, ये आपको वी आर दे दिया, वी वाई दे दिया और वी वी दे दिया, ठीक है, और यहाँ दे दिया प्लस का 120। आपको ये पूछा था कि इसका फेज क्रम क्या होगा, तो आर वाई बी होगा, आर बी वाई होगा, क्या होगा, देखो ये 120 है, जीरो है, ये रहा। फिर इसके बाद में ये देखो ई एम 120 है तो ये रहा, ठीक है। इसके अलावा देखो ये ई एम जो होगा, ई एम 100 माइनस है, 240 है, तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, 120 भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग जब R, Y और B के अंदर चलेंगे तो इसको 120 लिख सकते हो, इसको 120 लिख सकते हो, मतलब यहाँ ई एम के साथ जब लिखेंगे तो 120 लिखेंगे, लेकिन ई वाई के लिए और वी ई बी यानी कि इस फेज के लिए जब बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 240। अगर इस 240 को पॉजिटिव के अंदर दिखाना चाहते हो तो 120 दिखा सकते हो, इसको दिखाना चाहो तो 240 के रूप में दिखा सकते हो, तो इसका जो मान जो आएगा वो 120 डिग्री आएगा। अब इसके अलावा एक चीज़ और देखें, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, तीनों फेजों के अंदर अब हमने बात करेंगे कालांतर, तीन फेज में क्या बात करेंगे, कालांतर के बारे में बात करेंगे। आपका जो आर फेज होगा, आर फेज होगा, अगर इस डायग्राम से भी देखें, ये आर फेज होगा, ये वाई फेज होगा और ये बी फेज होगा, तो आप लोग यहां से ये बोल सकते हो कि जो वाई फेज है ये आर फेज से कितने डिग्री लेग चल रहा है, 120, ऐसे बोल सकते हो, या उल्टा भी बोलना चाहो तो ये बोल सकते हो कि आर फेज होगा वो वाई से कितने डिग्री आगे चल रहा है, 120। तो यहां से मैं लिख रहा हूं कि जो वाई फेज होगा, वाई जो होगा, वाई फेज होगा वो बी आर फेज से क्या रहेगा, 120 डिग्री क्या चलेगा, लेग 120 डिग्री क्या चलेगा, लेग। इसी तरीके से ये जो बी फेज होगा, अगर फेज क्रम आर वाई बी है तो ये बी फेज होगा, ये टोटल आर से कितने डिग्री पीछे चलेगा, बी फेज आर से 240 डिग्री, यानी कि 240 डिग्री क्या चलेगा, लेग चलेगा। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए बी जो होगा ये वाई से कितने डिग्री लेग चलेगा, ठीक है, तो बी फेज अगर वाई से अगर हमने बात करें तो वाई से कितने डिग्री लेग चलेगा, 120 डिग्री क्या चलेगा, लेग चलेगा। तो इतनी बातें आपको यहाँ से जो है वो फेज सिक्वेंस है जो उसके ऊपर जो आपको याद रखनी है। तो देखो तीन फेज की जो सप्लाईज होगी वो किस तरीके से उत्पन्न करेंगे, अल्टरनेटर जो होगा उसके आर्मेचर जो होगा उस पर तीन फेज वाइंडिंग करेंगे, कलांतर जो रखेंगे वो 360 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी एग्जामों में पूछा जा सकते हैं, जा चुका है कि तीन फेज की जो सप्लाईज होती है या तीन फेज सिस्टम होते हैं उसमें प्रत्येक दो फेज, प्रत्येक दो फेज इस तरीके से अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ दो फेज आएगा, फिर यहाँ दो फेज आएगा, फिर यहाँ दो फेज आएगा, प्रत्येक दो फेज के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री होगा। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, तीनों फेजों की जो तात्क्षणिक समीकरण बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, वो भी आपको यहाँ से याद रखना है। तीसरी बात क्या याद रखना है कि ये अगर आपको इसका जो एंगल फॉर्म जो होगा इस तरीके से अगर आपको एंगल फॉर्म दे तो आप लोग इस तरीके से एंगल फॉर्म में भी बता सकते हो, पहले नहीं आते थे ऐसे क्वेश्चन, आजकल जो है इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछने लग गए हैं, ठीक है। फिर और क्या याद रखेंगे, इसके अलावा मैंने आर वाई भी फेज क्रम बताया था, उसका फेज क्रम का मतलब क्या रहेगा, महत्व क्या रहेगा, ठीक है, ये सारी बातें। अब एक चीज़ और देखें,
ये तो सारी जो बातें मैंने आपको बताई थी, अभी आपने वोल्टेज का उत्पादन कर लिया, अब अपने बात करेंगे कि जो कनेक्शन होगा, तीन फेज के जो कनेक्शन होंगे वो किस तरीके से अपने क्या करेंगे, करने का काम करेंगे। तो यहाँ तक अगर वीडियो जो क्लास है वो समझ में आ चुकी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करने का जरूर काम करते रहिए। देखो यहाँ जितनी भी मैंने आपको बातें बताई है, आपको जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं कि इस पॉइंट पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उनको थोड़ा सा दिमाग में रखें। अब हमने बात करेंगे तीन फेज कनेक्शन, थ्री फेज कनेक्शन। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टार और जो डेल्टा है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तीन फेज जो प्रणाली है उसके अंदर स्टार या डेल्टा की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो देखो अपने पास तीन फेज की जो वाइंडिंग अगर हमने बात करें, तो आपके पास जो पहली वाइंडिंग होगी, फिर दूसरी वाइंडिंग होगी, और इस तरीके से तीसरी वाइंडिंग है। तो इसके टर्मिनल मैंने यू वी और क्या लिख दिया, डब्ल्यू लिख दिए, इसको यू वन वी वन डब्ल्यू वन भी दिखा सकते हो, यू टू वी टू और डब्ल्यू टू भी दिखा सकते हो। ये आर फेज का होगा, ये वाई फेज की वाइंडिंग है, ये क्या बी फेज की। अगर इनके टोटल टर्मिनल अगर आप लोग देखें तो छः निकलेंगे, टोटल टर्मिनल कितने निकलेंगे यहाँ से, ये टोटल टर्मिनलों की संख्या कितनी होगी, छः होगी। यानी कि इस कंडीशन के अंदर अगर आपको टर्मिनल पूछा जाए तो टोटल कितने होंगे, छः। अगर छः टर्मिनल एक पोल पर लेके जाएं अपने इस तरीके से, ठीक है, छः टर्मिनल अगर एक पोल पर लेकर के जाएं, तो आपको पता है कि आप लेके तो जा रहे हो वो एक फेज की, मतलब तीन फेज की प्रणाली है, लेकिन तारें जो लेकर के जाने पड़ेगी वो छः लेकर जाने पड़ेगी। अब छः लेकर के जाओगे तो एक तो आपका जो ट्रांसमिशन का जो खर्चा होगा वो ज़्यादा होगा, इसके अलावा जो कंपनी किसी भी ट्रांसफार्मर या इंस्ट्रूमेंट को तैयार करेगी उसमें भी छह वाइंडिंग होगी, तो सारा जो खर्चा होगा वो बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ जो एक जो काम करेंगे अपने कि वाइंडिंग जो होगी इसके आंतरिक कनेक्शन करेंगे अपने, और वो कनेक्शन करने का रीजन ये है कि टोटल जो टर्मिनलों की संख्या निकलेगी वो छः निकलेगी, और इकोनॉमिक दृष्टि से यानी कि आर्थिक दृष्टि से ये जो है फायदेमंद नहीं है, इसलिए काम क्या किया जाता है, इनके क्या किया जाते हैं, आंतरिक कनेक्शन किया जाते हैं। और आंतरिक कनेक्शन होंगे वो दो तरीके से होंगे, ठीक है। पहला जो कनेक्शन रहेगा एक रहेगा अपने पास स्टार रहेगा, और दूसरा अपने पास क्या रहेगा, डेल्टा। स्टार के देखो कई नाम है, इसको टी कनेक्शन भी बोला जा सकता है, इसको स्टार को तारा बोला जा सकता है, ठीक है। और स्टार के बाद डेल्टा को देखो, डेल्टा को पाई कनेक्शन भी बोला जा सकता है। इसके अलावा स्टार को इस तरीके से वाई लिखा भी आ सकता है, वाई कनेक्शन किसको बोलेंगे, तो भी स्टार ही होगा, क्योंकि अभी देखेंगे किस तरीके से बनेगा। और डेल्टा को त्रिकोण भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो स्टार के अंदर काम कैसे करेंगे, स्टार जब बनाते हो आप लोग इस तरीके से बनेगा, ये यू वन है, ये यू टू है, ये वी वन है, ये वी टू है, ये डब्ल्यू वन और ये डब्ल्यू टू। यानी कि जब इनके एक जैसे टर्मिनल किसी एक पॉइंट पर शॉर्ट कर देंगे, और वहां से अगर आप लोग देखेंगे तो वहां जो आपको जो टर्मिनल मिलेगा वो मिलेगा आपको न्यूट्रल, और ये जो सारा जो कनेक्शन होगा ये क्या कहलाएगा, स्टार। यानी कि स्टार कनेक्शन के अंदर अगर आप लोग देखें तो तीन फेज होंगे, और यहाँ से एक जो तार होगा यहाँ से क्या मिलेगा, एक न्यूट्रल भी मिलेगा। इसके अलावा इसके बारे में काफ़ी डिटेल है, ठीक है, जब अपने पढ़ेंगे स्टार के बारे में तब मैं बताऊंगा। अब देखो इस कनेक्शन को आप लोग इस कनेक्शन को आप लोग एक तरीके से और भी दिखा सकते हो, कि जैसे मेरे पास ये क्या है, ये तीन फेज की वाइंडिंग है, ये आपको पता है यू वन वी वन और डब्ल्यू वन है, और ये यू टू वी टू और डब्ल्यू टू। ऐसा कोई कनेक्शन दे दिया और आपसे ये पूछे कि ये कनेक्शन कौन सा है, देखो कैसे U2, V2 और W2 को आपस में शॉर्ट करना है, तो मैंने ये शॉर्ट कर दिया। अब ये डायग्राम देके पूछ लेंगे कनेक्शन कौन सा है, तो आपके दिमाग में ये चलेगा, जबकि ऐसा कनेक्शन भी इसका बन सकता है, तो यहाँ से आपको याद रखना है। अब देखो ये जो Y है इसको सीधा करके देखें, इसको अगर आप लोग सीधा करके देखें तो Y बनेगा। इसके अलावा Y को अगर मैं इसकी ये जो है टर्मिनल जो है ये जो है इसके भाग जो है इसको मैं अगर सीधा करूँगा तो ये टी बनेगा, तो इसलिए स्टार को टी कनेक्शन भी बोला जाता है, वाई भी बोल सकते हो आप लोग, और स्टार का हिंदी में मतलब क्या होगा, तारा होगा, तो ये भी बोल सकते हो। डेल्टा के अंदर देखो क्या होगा, ठीक है, डेल्टा के अंदर इस तरीके से होगा, तो ये U1 होगा, ये U2 होगा, V1 होगा, फिर V2 W1 होगा, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा, W2 आएगा। मतलब आप लोग काम क्या करेंगे, विपरीत टर्मिनल जो होंगे वो आपस में क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, और जब शॉर्ट करेंगे तो आपके पास एक दो और तीन, तीन ही तारें निकलेगी। इसका मतलब इसकी सहायता से केवल जो आप लोग लेंगे वो तीन फेज की सप्लाई ले पाएंगे, इसके अंदर दोनों सप्लाई ले सकते हो। अब इसका डायग्राम आप लोग इसके अकॉर्डिंग देखो कैसे बना सकते हो,
तो ये U1 हो गया, ये V1 हो गया, ये W1 हो गया, U2, V2 और क्या होगा W2, ठीक है। अब देखो U1 के साथ जो, पहले अपने देखो इस U2 के साथ में क्या करेंगे, V1 को शॉर्ट करेंगे, तो ये U2 हो गया और ये V1 हो गया, इन दोनों को आपस में कर देंगे शॉर्ट। फिर V2 के साथ W1 करेंगे, मतलब इन दोनों को आपस में कर देंगे शॉर्ट। फिर U1 को करेंगे W2 के साथ, तो इन दोनों को यहाँ से घुमा करके ले आओ और यहाँ से आप लोग क्या है इसको शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो थे तीन फेज के कनेक्शन। कनेक्शन का कारण अगर आपसे पूछा जाए तो जो इकोनॉमिक दृष्टि से किया जाता है। दूसरी बात क्या याद रखना है, तीन फेज की जो वाइंडिंग जो होगी उसके दो तरीके से कनेक्शन करेंगे, स्टार में करेंगे, डेल्टा में करेंगे। स्टार के अलग अलग नाम है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और स्टार कनेक्शन हो गया, डेल्टा कनेक्शन हो गया, इसके बारे में जो डिटेल होगी अपनी नेक्स्ट क्लास में रहेगी। तो आज की क्लास कैसी लगी, वीडियो को शेयर करते रहिए, अच्छी लगी तो वीडियो के बारे में जरूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।